आज के मनन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित समाचार उसका 4 अध्याय उसका 47 से लेकर 53 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जोर उतर गया है। तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब जानता है, दुनिया जानता है, यीशु मसीह चमत्कार का परमेश्वर है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई चमत्कार करने वाला शक्ति इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सारे जाति के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चंगाई पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रिय भाइयों बहनों, आधुनिक दुनिया में लोग चंगाई के पीछे चल रहा है। चंगाई नहीं है, उनका विश्वास उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जरूर चंगा किया है वो कर्मचारी के पुत्र को। जब यीशु मसीह ने कहा, उसी सेकंड में कई किलोमीटर दूर में रहने वाला राजा का कर्मचारी का बेटा उसी स्पॉट में उसी सेकंड में चंगा हो गया करके हम वचनों से देखते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का जीवन में उस समय एक छोटा सा गुस्सा आया। वो किस बात की है हम देखेंगे। उसका 48 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये सही बात है। 2000 साल का पहले भी वैसा स्थिति था, आज का दुनिया में भी लोग चंगाई के पीछे दौड़ते हैं, चमत्कार के पीछे दौड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, चंगाई मिलेगा, चमत्कार होगा है तो लोग नमस्कार करता है। लेकिन परमेश्वर का सामने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और गिड़गिड़ाना और परमेश्वर का खरा वचनों को सुनना, ये लोग पसंद नहीं करेंगे। जहां पर चमत्कार है वहां पर लोग भाग जाता है। इसी कारण शैतान भी कई ऐसे दासों को लाकर चमत्कार करवाकर लोगों को वश में करता है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह चमत्कार करता है या शैतान चमत्कार करता है ये हमको पता नहीं चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने करेक्ट बताया, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। वो यीशु मसीह को भी ये बात पता चला है, लोग चमत्कार के ऊपर विश्वास करता है। आपका और मेरा ये भारत में सबसे पहले AD 52 में तोमा प्रभु का सुसमाचार लेकर केरल में पहुंचे थे। प्रिय भाइयों बहनों, जब तोमा जब यीशु मसीह का मृत्यु हुई, यहूदियों के डर के मारे चेले लोग एक कमरा के अंदर में बंद था। उस समय का बातों को आप देख सकते हैं। हमारा आत्मिक पिता, मेरा और आप सबों का आत्मिक पिता कौन है करके बोलेगा तो इंडिया का मसीहों का आत्मिक पिता कौन है करके पूछेगा तो सभी लोग तोमा के बारे में बताएंगे। जब वहां पर आप देख सकते हैं पूरे चेले वहां था, इस्करियोती यूदा को छोड़कर, तोमा को छोड़कर बाकी पूरे चेले वहां पर था। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पर यीशु मसीह आया है। आप जानते हैं 8 दिन के बाद
यीशु मसीह उस कमरा में पहुंच गया है जहां चेले बंद दरवाजा के अंदर में थे। यूहन्ना रचित समाचार 20 अध्याय 26 से लेकर पढ़ेगा तो आपको वहां पर पता चलेंगे। जब यीशु मसीह उस समय चेलों के मध्य में प्रत्यक्ष हुआ बंद कमरा में, तब तोमा वहां पर नहीं था, लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह 8 दिन के बाद प्रत्यक्ष होकर जब वहां पर पहुंचा तब तोमा भी उनके साथ था। जब हम उनके 26वां वचन से नीचे पढ़ेगा तो यूहन्ना 20:26 से 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उसके साथ था और दौर बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां पर लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? क्या वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के जमाने में भी लोगों को विश्वास करना है तो चमत्कार होना है, लेकिन हमारा आत्मिक पिता तोमा जिस रीति से कुछ ना देखेंगे तब वो विश्वास नहीं करते थे, देखने के बाद ही वो विश्वास करते थे। इसी प्रकार इंडिया के लोग चिन्ह और चमत्कार देखोगे तब वो विश्वास करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये गलत है। केवल चमत्कार के पीछे जाने से खतरा क्या है? वो व्यक्ति के अंदर में विश्वास नहीं। आज भारतवर्ष में कलीसियाओं में आपको मालूम है, जब लॉकडाउन नहीं हुआ, कोरोना नहीं आया, इतने सारे लोग कलीसियाओं में आते थे। ये किस लिए आते थे? प्रभु का वचन के लिए नहीं, प्रभु में विश्वास करके स्थिर रह के स्वर्ग जाने के लिए नहीं। उनका बीमारी चंगा होना है, अस्पताल वाले उन्हें छोड़ दिया, कई पैसा लेकर डॉक्टरों ने उन्हें छोड़ दिया, अब मरने का हाल लिया बात सामने आ गया है, अब दूसरे कोई जगह से उनको छुटकारा नहीं। तब यीशु के बारे में सुनता है, यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर करके उनको मालूम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, चमत्कार होने के बाद वो यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। कारण क्या है? उनका जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, केवल चमत्कार का पीछे ना जाओ, उनको परमेश्वर का वचन दो, उनके जीवन में पश्चाताप होने दे, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ने दे, तब कष्ट आने से, पीड़ा आने से, परेशानी आने से वो विश्वासी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के बाद वो आखिरी वक्त तक स्थिर रहना है, अगर वो व्यक्ति स्वर्ग में दिखना है, आपको प्रतिफल मिलना है, तो केवल चंगाई देकर उनको छोड़ने के जगह में आप उनको वचन भी दो, तब वो खरा निकल कर कितना भी कष्ट आने दो, पीड़ा आने दो, वो प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे और आखिरी में स्वर्ग में पहुंचेंगे और आपको प्रतिफल भी उनके द्वारा मिलेगा। हालेलुया। हम दूसरा तिमोथी के पुस्तक 4:1-5 तक मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितो और मरे हो का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और सत्य राज की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलागना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से भेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां पर पौलुस कह रहा है, केवल चमत्कार नहीं, परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर में दे। मैं पहले कह दिया था,
आप चमत्कार और चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाएंगे। विश्वासी विश्वास करेगा तो प्रभु उनको चंगा करेंगे। वो पिता आते ही उनका हाल लिया, पुत्र को यीशु मसीह ने जहां पर यीशु खड़ा था वहां से कमांड किया, जहां पर उनका पुत्र था वो वहां पर चंगा हो गया। मार्ग में ही वो घर पहुंचने के पहले दास दौड़ कर आकर कहा, तेरा लड़का जीवित है। यीशु मसीह सामर्थ्य है, वो चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो चाहता है चमत्कार से बढ़कर परमेश्वर का वचन उनके अंदर में प्रवेश हो जाए, ताकि परमेश्वर अपना नाम से बढ़कर परमेश्वर का वचन को महिमा दिया है। इसलिए प्यारो, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेंगे, लेकिन अगर आप करीब तक अगर आपको स्थिर रहना है, आप स्वर्ग जाना है, आपको हाल लिए चमत्कार से बढ़कर परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर में प्रवेश करना है, तब आपका जीवन में मन फिराव आएगा, तब आप एक नया व्यक्ति हो जाएगा, तब आप यीशु का गवाह बनेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, चमत्कार आपके जीवन में यीशु करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर जो प्रभु में आने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन में पक्का करना, तब वो पीड़ाओं का सामना करेंगे, वो प्रभु का ये लिए प्रभु के लिए एक अच्छा गवाह बनेंगे और वो स्वर्ग में पहुंचेंगे और आपको परमेश्वर प्रतिफल देंगे, नहीं तो आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। वो व्यक्ति विश्वास करेगा और वचन नहीं है तो उनको चमत्कार जरूर प्रभु देंगे, लेकिन वो व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, झाड़ियों के बीच में बीज गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ मार्ग में गिरा, लेकिन 100 गुना फल कौन सा हालेलुया बीज लाया है जो अच्छी भूमि पर गिरा है। इसलिए मैं आप लोगों से परमेश्वर अनुरोध करता हूँ, आपके द्वारा प्रभु में आने वाले लोगों को आप परमेश्वर का वचन दो और उनका चंगाई के लिए प्रार्थना जरूर करो। अगर दुष्ट आत्मा उनके अंदर में तो उनके लिए प्रार्थना करो, वो असहित, लेकिन साथ साथ वो विश्वासी मजबूत होने के लिए आप उनको परमेश्वर का खरा वचन दो। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को कही हुई वचनों के बारे में बहुत गहराई से समझ में आया, आगे के दिनों में आप केवल चमत्कार नहीं उनके जीवन में वचन को भी देगा। आइए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन से आपने आपका पवित्र आत्मा हमें समझाया है, केवल चमत्कार नहीं प्रभु जी, आपका खरा वचन भी लोगों को देना है। आगे के दिनों में जितने लोग आपका हालेलुया वचनों को आज सुना है, वो केवल चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं, उनको खरा वचनों को देकर उनको मसीह में दृढ़ करेंगे, ताकि प्रभु वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचेगा तो उनके नाम से जो प्रतिफल जो आपने हमको देगा। इसलिए परमेश्वर हम चाहता है हम सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचने पाए। आपने प्रार्थना सुना, इन वचन के द्वारा लोगों के अंदर में हमारे जीवन में काम किया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमेन, आमेन।